बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम हारिस नूर है। आप में से कुछ बंदों ने मुझे ऑलरेडी पहले ज्वाइन किया था, तो उनको एक्सपीरियंस होगा मेरे साथ। और काफ़ी सारे जो है यहाँ पे न्यूबीज हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे पता लगे कि आप लोग क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आप क्या किस स्किल सेट पे काम कर रहे हो। आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं आप उसके लिए बने भी हैं या नहीं। आपको किसी ने जस्ट बताया कि आप ये काम स्टार्ट करें और आप उसको सुन के आगे, तो फिर आप इस फील्ड के लिए नहीं बने हुए। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरा नाम हारिस है, मैं गूगल और यूके सर्टिफाइड हूँ। मेरी अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है, 8 ईयर मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप लोग भी अगर इसको एक्सेल करते हैं तो ये स्किल सेट ऐसा है कि इस पर आप कम टाइम में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर आप वर्क कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं ऑनलाइन अर्निंग के। तो मैं ये सबसे पहले चाहता हूँ कि आप में से जितने भी बंदे हैं वो अपना नाम बताएं और साथ में अपनी क्वालिफिकेशन बताएं और अपना इंटरेस्ट बताएं कि आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हैं। फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे तो वो आप मुझसे एंड में पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा, ठीक है। इसके बाद आपका जो सा भी क्वेश्चन होगा उसके रिलेटेड मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। मेरा नाम क्या
लेकिन वो किस वे में करते हैं, डिजिटली राइट। आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी इन ड्राइव की एग्जांपल दी थी, तो वो हमें आके हमारे घर पे या कहीं पे हमें फिजिकल, उन्होंने कोई पंपलेट दिए कभी आपको यस नो में बताया, मतलब नहीं दी ना, तो इसी वजह से वो ये कि वो अपनी मार्केटिंग क्या करते हैं, डिजिटली करते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि डिजिटल मार्केटिंग एक ट्रेंडिंग स्किल है, इसके अलावा हर बिजनेस को इसकी रिक्वायरमेंट है। लाइक अगर आप जॉब के हिसाब से बात करें तो आपको इस पर अच्छी जॉब्स मिल सकती है। लाइक मैंने खुद ही सिविल किया हुआ है, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग, लेकिन उसकी आपको हर जगह में डिमांड नहीं मिलेगी। तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म इसलिए भी है, लाइक स्किल सेट है कि आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, मतलब आप फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। डिजिटल मेक को सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एज अ फ्रीलांसर अगर काम करते हैं ना, तो अपनी आप ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी बैठ के कर सकते हो। इसमें आप पे जगह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। लाइक आप मैकेनिकल है या कोई भी एक इंजीनियरिंग या किसी भी एक फील्ड में आप हैं, तो वहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है। लेकिन डिजिटल में ये है कि आप लोग थोड़े से क्या होते हैं कि आप कहीं से भी बैठ के काम स्टार्ट कर सकते हैं, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। और इसके अलावा जो है आप लोग, मतलब मेनली जो है मैं ये कह सकता हूँ कि मैं आप लोगों से थोड़ी वोटिंग लेता हूँ, फिर आपको मैं उसी हिसाब से आगे सिखाता हूँ कि आप लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो है मेन इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कि आप लोग यूट्यूब सीखना चाहते हैं या फेसबुक। तो यूट्यूब के लिए जो सीखना चाहता है वो ज़रा हाथ रेस करें, मुझे पता लग जाए ना कि आप लोगों का इंटरेस्ट है यूट्यूब में, तो आपको यूट्यूब के रिलेटेड मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा और यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा भी सकता हूँ। तो आप लोग हैंड रेस करें जो लोग इंटरेस्टेड है कि यूट्यूब के रिगार्डिंग आज आपको मैं सिखाऊं। दो बंदे इंटरेस्टेड है। और फेसबुक के रिलेटेड रैंड योर हैज, मतलब कुछ तो आप बताए ना कि आपने करना है या नहीं, मतलब यस नो में, तो अगर दो बंदे करेंगे तो ऐसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर हम जो है दोनों को कंबाइन कर सकते हैं, मतलब आधा हम फेसबुक हम कर सकते हैं उसके रिलेटेड, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं आपके एक्सप्लेन करूँगा। इसके अलावा यूट्यूब भी हम कर लेते हैं, दोनों को हम हाफ ऑफ कर लेते हैं, ठीक है। अब मार्केटिंग का आपको समझ आके क्लियर हो गया आइडिया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या चीज़ है। लाइक आपको मैंने एक वो बताया ऐप के बारे में कि जैसे कि आप लोग को ये एक ऐड दिख रहा है, तो ये हमें उन्होंने घर पे आके कोई पंपलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया हुआ। जब आप इन ड्राइवर से कैब लेते हैं तो कुछ डिफरेंट होता है। यहाँ आप मर्जी चला सकते हैं प्राइस कार और ड्राइवर पर। काश लाइफ में हर जगह आपकी चलती, देखने को मिलेगी कि वो ये होता है कि कोई भी एक न्यू ऐप है तो उसको हम इंस्टॉल नहीं करते, तो उसकी रीज़न क्या है कि वो हमें कोई ना कोई डिस्काउंट्स देते हैं। समझ आ रही है आपको, मतलब ये जैसे इन ड्राइवर्स के मुकाबले में अब यंगो है या कोई एक दूसरी ऐप आ सकती है, ठीक है, जो सर्विसेज देते हैं, तो उसमें हमें स्पेसिफिकली किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डिजिटल मार्केटिंग की। कि इनके आपने फिजिकल भी देखे होंगे, लाइक जैसे DHA से आप बाहर ये निकलते हैं तो यहाँ पे LCD मेन बार डिजिटल लगी है, तो उसके लिए भी आपको पे करना होता है। बेसिकली मार्केटिंग ये देखिए आप पे करते हैं तो आपका ऐड दिखता है, चाहे वो ऑनलाइन है या फिजिकल, लेकिन हम डिजिटल की बात कर रहे हैं तो ये ऑनलाइन होता है। क्लियर, क्लियरिटी आप सबको क्लियर है कि एक जो है वो हम डिजिटल, चूंकि आप बात कर रहे हैं तो डिजिटल मींस कि हमने इन ड्राइव का जो या यंगो है कोई भी एक अदर ऐप है तो उसकी हमने एडवर्टाइजमेंट अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखी होगी, ऐसा ही है। या कहीं पे हम रोड पे जा रहे हैं तो अगर रोड के ऊपर इन्होंने किए तो वो डिजिटल नहीं है, वो फिजिकल मार्केटिंग में ऑफलाइन मार्केटिंग में आता है। उसका नुकसान ये कि हम ऑडियंस को ट्रैक नहीं कर सकते कि उन्होंने वो ऐप इंस्टॉल की या नहीं, या उसका इंटरेस्ट उसमें है या नहीं। डिजिटल में हमें ये फ़ायदा होता है कि हम उनको ट्रैक कर सकते हैं कि इनकी ये एक्टिविटीज़ हुई हैं तो उसको हम इजीली ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर। और इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस की कि इन्होंने ऐड में यहाँ पे एक चीज़ शो की है, ये इसके बारे में आप लोगों को आइडिया है कि ये इन्होंने क्यों शो किया है यहाँ पे ऐड के अंदर, इसको आइडा बोलते हैं, इन्होंने ये चीज़ें क्यों इसमें डाली हुई है ऐड के अंदर। आप में से किसी को आइडिया है कि ये इस तरह के ऐड क्यों बनते हैं, हमें इस तरह के ऐड क्यों दिखाए जाते हैं? अगर आप लोग ऑडियंस के तौर पे ये ऐड देखते हैं तो आप इसको क्यों कंसिडर करेंगे?
सर मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी फायदा हो, इंटरेक्टिव वर्जन ना सिर्फ आपको जैसे समझ में आ आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, तो डिफरेंट गाड़ियों के ऊपर जो है वो अपने स्टिकर्स लगाते हैं, मींस ब्रांडिंग करते हैं। तो इससे ये है कि कोई भी बंदा अपनी गाड़ी के ऊपर स्टिकर नहीं लगाना चाहता, लेकिन जब आप उसको कुछ बेनिफिट्स दें तो वो फिर बोलते हैं कि ओके आप जो है अपनी कंपनी का स्टिकर लगा सकते हैं। ऐसा ही है, तो कोई भी बंदा किसी और कंपनी का ब्रांड जो है लोगो अपनी गाड़ी में लगाना पसंद नहीं करता। जब आप इन ड्राइवर से कैब लेते हैं तो कुछ डिफरेंट होता है, यहाँ आप मर्जी ये किसी रोड पे देखते हैं तो ये ऑफलाइन में आता है, ये भी मार्केटिंग में ही आता है, लेकिन ये हमारा ऑफलाइन मार्केटिंग में कंसिडर होता है, मतलब इसको हम ट्रैक नहीं कर सकते और एक तरह से ये बहुत कॉस्टली होता है कि इसमें हम ऑडियंस ट्रैक नहीं कर सकते, मेन प्रॉब्लम ये होता है हमारा। ठीक है, अब इसके अलावा जो डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसके काफी सारे बेनिफिट्स हैं, मेनली यही है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस मीन कि आपको किसी ऑफिस वगैरह की जरूरत नहीं, आप डिजिटली काम अपना स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी बैठ के, आपको जस्ट इंटरनेट की जरूरत है। चाहे आपने ई कॉमर्स करने तो उसके लिए भी आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी, आपने सर्विसेज अपनी सेल करनी है तो अपनी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप क्लाइंट्स गेन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कोई टीचर है तो वो अपनी सर्विसेज सेल कर सकता है कि मुझे इंग्लिश अच्छी आती है, मैथ्स किसी भी सब्जेक्ट का टीचर हो सकता है, तो वो अपनी सर्विसेज खुद ही प्रमोट कर सकते हैं थ्रू डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर?
अब डिजिटल मार्केटिंग जो है एक बहुत वास्ट फील्ड है, इसको आप समझ लें कि भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक भाई ने बताया कि भाई मैं अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम SEO सीखते हैं, ठीक है, और करते हैं। SEO मीन्स कि उस पर हमें काफ़ी टाइम लगता है और हम अपनी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं गूगल के ऊपर, उसके लिए ये होता है कि आपको काफ़ी टाइम लगता है और इन्वेस्टमेंट भी साथ चाहिए होती है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप उसकी SEO नहीं कर सकते, क्लियर। तो ये भी एक इसके अंडर आता है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें आप किसी एक स्पेसिफिक निश को सीख के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। निश मीन्स कि जैसे वीडियो एडिटिंग है, कोई भी एक है, तो वो भी इसके अंडर इसलिए आता है कि हर बंदे को ज़रूरत है। जैसे आपने अभी इन ड्राइव का ये ऐड देखा है, तो ये भी वीडियो फॉर्म में था या पिक्चर फॉर्म में, तो इट्स मीन कि आपको अच्छी वीडियो बनाना आती है और उसको अच्छे से एडिट करना आता है, इसी तरह से ग्राफिक की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें, क्लियर। तो आपको ये चीज़ें सीखना ज़रूरी है, तो तभी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इस वजह से कॉन्टेंट क्रिएशन या मार्केटिंग, तो ये जैसे कि आपने देखा है कि ये पिक्चर और वीडियोस जो थी, तो ये कंटेंट था, इसके ऊपर उन्होंने अपने बिजनेस की प्रमोशन किया। इस तरह की कुछ कंपनीज होती है तो वो जॉब देते हैं, मतलब अपने लिए बंदे हायर करते हैं, लेकिन अपने ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि भाई हमें सारा साल पे ना करना पड़े, तो उसके लिए वो लोग फ्रीलांसर हायर करते हैं, मीन्स के शॉर्ट टाइम के लिए आपको वो पे करते हैं और आपकी वो सर्विसेज अवेल करके आपको पे करते हैं और उसके बिहाफ पे अपनी मार्केटिंग करवा के अपना डन करवा लेते हैं, क्लियर। कंटेंट मार्केटिंग कि आपको समझ आ गई ना कि कंटेंट मींस कि आपकी पिक्चर्स फॉर्म में हो सकता है, डेटा वीडियो फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो तो खैर, लेकिन ये आता है कंटेंट के अंडर ही, ठीक है। और सोशल मीडिया फिर बहुत ज़्यादा वास्ट है, इसमें मेनली जो तीन आप कह सकते हैं ना बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसको आप अच्छे से आप सीख लेते हो, किसी एक को भी फिर आप एक्सेल कर सकते हो, तो आप एज अ फ्रीलांसर उसे अर्निंग कर सकते हो, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको उससे हो सकते हैं। लाइक मेनली अगर मैं बोलूँ तो गूगल एड्स, जैसे मैं खुद ही गूगल सर्टिफाइड हूँ, तो गूगल एड्स को आप कम टाइम में सीख सकते हो, और गूगल सर्टिफाइड आप हो जाते हैं तो आपको $200 पर आवर भी पे करेगी अच्छी कंपनी, ठीक है। वो रिमोट भी हो सकते हैं और ऑन साइट भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली रिमोट ही फिर आप काम करेंगे, मीन्स पाकिस्तान या कहीं से भी आप बैठ के अपनी सर्विसेज ऑनलाइन अदर कंट्रीज में सेल करेंगे। अब उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि आपने किस प्लेटफॉर्म पे सेल करना है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना कि मेनली जिसकी ज़्यादा डिमांड है वो कौन सा है, गूगल है, क्योंकि गूगल इज़ किंग, क्लियर। कि गूगल को आप सीखते हैं तो इसमें यह कि आपको गूगल की सर्टिफिकेशन भी मिलती है, तो इससे आपकी वैल्यू इंक्रीज होती है। लाइक आप किसी को कैसे वो कराएंगे कि भाई मुझे ये चीज़ आती है, तो उसके लिए आपके पास उसकी सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। अब जैसे गूगल ऑलरेडी एक बिग मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर आप उसकी सर्टिफिकेशन करते हैं तो वो आपकी ऑथेंटिसिटी ज़्यादा हो जाती है। लाइक अगर अभी आपको मैं बोलूँ कि मैंने सिविल किया हुआ, तो उसका इस फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा, लेकिन जब मैं आपको बोलूँगा कि भाई मैं गूगल सर्टिफाइड हूँ, तो आप लोग मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, क्योंकि मैंने गूगल से खुद ही किया हुआ है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए कि अगर आपने इस गूगल को ही अच्छे से सीख के आगे एक्सेल करना है, तो फिर आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि आप सर्टिफिकेशंस भी साथ में करें, क्लियर। अब ईमेल मार्केटिंग है, तो पाकिस्तान में तो हम इतनी ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते, लेकिन ये भी एक अच्छा टूल है और ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंडर आता है। मीन्स कि आप ईमेल के थ्रू अपने क्लाइंट्स तक रीच आउट करते हैं, और PPC ऐड ये होते हैं, पे पर क्लिक इसको हम बोलते हैं, कि जैसे गूगल के ऊपर कोई भी बंदा अपना ऐड रन करता है, टेक्स्ट फॉर्म में सर्च ऐड जिसको हम बोलते हैं, कि कोई भी चीज़ हम सर्च करते हैं उसके ऊपर ऐड लगा होता है, तो उसके लिए PPC ऐड, जैसे मैंने आपको बताया गूगल एड्स आप सीख लें तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म ये है। सेकंड प्लेटफॉर्म मेटा है, मींस कि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को कंसिडर कर सकते हैं। थर्ड ये है कि टिकटॉक, इन तीनों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसमें से कोई एक भी आप सीख लें तो आपका काम आसान हो सकता है और आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर। टिकटॉक ये है कि पाकिस्तान में तो डायरेक्ट इसकी एड अकाउंट नहीं होता, वो आपको एजेंसी अकाउंट खरीदना होता है, उसमें एक रिस्ट्रिक्शन है। तो फिर दो ऑप्शन आपके पास रह जाते हैं, गूगल का और एक मेटा का। मेटा मींस फेसबुक और इंस्टाग्राम, वो दोनों पे आप अपना अकाउंट बना के मार्केटिंग कर सकते हैं। उसमें बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आप सबसे पहले अपने पेजेस वगैरह क्रिएट करें, जो मैं आपको अभी डिफरेंट एक्टिविटीज़ बताऊंगा, टास्क दूंगा, वो आपने करने हैं। तो जब आप अपने लिए खुद ही बनाएंगे पेजेस, उस पर आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, तो फिर आपको आगे काम करना आसान हो जाएगा। नहीं तो आपका जब आप क्लाइंट आएगा ना, तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से काम करना है और आपको फिर प्रॉब्लम्स आएंगी, क्लियर। उसके लिए पोर्टफोलियो ज़रूरी होता है, कि कोई भी क्लाइंट आपको काम नहीं देगा जब तक आपका पोर्टफोलियो नहीं है। तो आप में से किसी को आइडिया है कि आप पोर्टफोलियो अपना किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि आप न्यू भी है यहाँ पे जितने भी हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करेंगे?
आइडिया है आपको तो राइज करें हैंड, तो मैं आपसे फिर पूछूंगी किस तरीके से क्या आप अपना पोर्टफोलियो न्यू बी के तौर पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कोई आइडिया नहीं है आप लोगों को या समझ ही नहीं आ रहा जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ? पोर्टफोलियो मीन्स कि आप, कोई क्लाइंट आपसे काम क्यों करवाएगा? आपने जब पहले काम नहीं किया तो कोई भी बंदा अपने पैसे ज़ाया नहीं करवाना चाहता, क्योंकि पेड मार्केटिंग में होता है कि आप पे करते हैं तो आपका एड दिखता है। जी बताइए। ठीक है, आपकी बात ठीक है, आपने पोर्टफोलियो एक्सप्लेन की, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा एज अ बिगनर, आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं? जी ठीक है। अच्छा, इसका एक और अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये सर्टिफिकेशंस की, थैंक यू आपने बताया, तो मैंने भी एक्सप्लेन किया इसको। सेकंड चीज ये कि आप किसी भी बिजनेस को फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज अपने दे सकते हो, उसको आप बोल सकते हो कि फर्स्ट 5 क्लाइंट्स फ्री, उसमें आप उसको अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दो, तो आपका क्या बनेगा? पोर्टफोलियो बनेगा। पोर्टफोलियो मीन्स कि आपने उसको सर्विसेज दी, उसके जो पेजेस हैं उसमें कुछ डेटा पब्लिक आप नहीं कर सकते, उसको आप हाइड रखेंगे, बाकी आप उसको जो आपके क्लाइंट का नाम है ऑर्गेनाइजेशन का या पर्सनल, आप उसको अपने लिए इसके स्क्रीनशॉट्स या वीडियो के फॉर्म में उसके फीडबैक रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह आपका पोर्टफोलियो एज अ बिगनर बन सकता है, क्योंकि आपको फ्रेशर के तौर पे कोई भी काम नहीं देगा, लेकिन जब आप फ्री बोलेंगे तो फ्री बंदा, हर बंदा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। कि आप उसको बोल सकते हैं कि आपकी जो है ये वीडियोस मैं एडिट करके दे सकता हूँ, या एक आपके लिए मैं ऐड क्रिएट करके दे सकता हूँ, आपका पेज मैनेज करके दे सकता हूँ, आपका फेसबुक या कोई भी एक प्लेटफॉर्म है उसका कवर मैं आपके लिए क्रिएट करके दे सकता हूँ। समझ आ रही है आपको ना? तो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देनी है स्टार्ट में, तो आपको क्लाइंट मिल जाएंगे, और फिर आप आगे जो नेक्स्ट आपका क्लाइंट होगा उसको आप बोलेंगे कि लाइक आपने 5 बंदों के लिए फ्री सर्विस रखी थी, आप नेक्स्ट बंदे को आप बोलेंगे कि सॉरी अब वो वाली ऑफर मतलब वैलिड नहीं है, आप जो है आपको आप बहुत ज़्यादा तो प्राइस चार्ज नहीं कर सकते, तो चले आप $5 से स्टार्ट कर लेंगे, आपने अर्निंग करनी है किस चीज़ में, डॉलर्स में, ठीक है? तो आप उसको बोल सकते हैं कि आप मुझे $5 पे कर दें, क्लियर? तो इस तरह से आपका फर्स्ट 0 से शुरू होगा फ्री में, लेकिन उससे आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, फिर ग्रेजुअली आप लोग जो है क्या करते जाएंगे, इसको एक्सेल करते जाएंगे प्रैक्टिस करके। फिर इस वजह से एफिलिएट मार्केटिंग होता है। एफिलिएट मार्केटिंग मींस कि आपके पास अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई प्रोडक्ट खरीदने की, लेकिन आप लोग किसी का प्रोडक्ट सेल करते हो, उसके बिहाफ पे आपको कमीशन मिलता है, क्लियर? तो एफिलिएट मार्केटिंग में जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आते हैं, लाइक आप अगर डोमेन होस्टिंग सेल करते हैं तो उसमें भी एफिलिएट मार्केटिंग यूज होता है। मींस आपका अपना कोई प्रोडक्ट या सर्विस तो नहीं है, लेकिन उसको आगे आप सेल आउट कर सकते हैं, और उसमें आपका कमीशन 40%, 30%, 10%, मतलब डिफरेंट परसेंटेज होता है, आप उसी के अकॉर्डिंगली उसको गेन कर सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी ट्रैफिक होगी, इट्स मीन कि आपकी जितनी ज़्यादा सेल्स आएंगी तो आपकी अर्निंग उतनी ही ज़्यादा होगी। उस सूरत में होता है कि आपको कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इसके एक और एग्जाम्पल रियल स्टेट के अगर हम देते हैं कि सपोज 3 करोड़ का घर आप बेचते हैं और उसमें आपके 10% बनते हैं, तो आप खुद ही सोचेंगे कितने पैसे आपके बनते हैं। वो भी एक तरह से एफिलिएट उस सूरत में है कि अगर आपने अपना घर नहीं बनाया, आप किसी का घर सेल आउट करते हैं, तो उसमें आपको आइडिया है कि आपको कमीशन मिलती है, क्लियर? तो भी एक तरह से हम कह सकते हैं एफिलिएट है, लेकिन वो ऑफलाइन मोस्टली होता है पाकिस्तान में। वैसे अदर कंट्रीज में, पाकिस्तान में भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसके रिलेटेड आप लोग वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करें। लाइक लास्ट टाइम मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि दुबई में ऐसे तो बहुत सारे मोबाइल शॉप्स हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस है वो आपको पता है कौन है? जमजम। जमजम क्यों है? क्योंकि वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं और फ्री में उन्होंने ट्रैफिक वहाँ से गेन की और वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए और उनका ऑनलाइन बिजनेस भी साथ ही स्टार्ट हो गया। क्योंकि वो फेमस हो गए तो आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर उनको उनकी वेबसाइट पर दे सकते हैं या उनके व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है? यही दो मोस्टली मीडियम यूज होते हैं, या तो व्हाट्सएप यूज होता है या वेबसाइट। वेबसाइट होगी तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल, इसलिए कि हम उनको ट्रैक कर सकते हैं कि किस बंदे की क्या एक्टिविटी हुई है और उसको हम एनालाइज कर सकें, क्लियर? तो ये सोशल मीडिया जो है बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अगर आप अच्छे से कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं तो वो आपकी जो है ना वायरलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसमें भी फिर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, काफ़ी सारे बंदों ने वो ज्वाइन किया था, तो दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, मींस एक लॉन्ग वीडियो होती है और सेकंड शॉर्ट वीडियो। जैसे जमजम जो है वायरल कहाँ से हुआ है? शॉर्ट वीडियो से, क्लियर? ये आपको आइडिया होगा कि मींस आप
लॉन्ग फॉर्मेट भी बनाएंगे, जैसे मोस्टली यूट्यूब इसको इनकरेज करता है और अदर प्लेटफॉर्म्स भी, लेकिन टिकटॉक है या इस तरह से इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारे लोग रील्स बनाते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म के नाम से उनका वो थोड़ा बहुत चेंज होता है नेम, यूट्यूब उसको शॉर्ट बोलता है तो इंस्टाग्राम और जो फेसबुक है वो उसको रील का नाम रहता है, क्लियर। तो आप लोग दोनों तरह के फॉर्मेट्स में अपने कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे और उसमें वायरलिटी के चांसेस किसके ज़्यादा है, लॉन्ग वीडियो के या शॉर्ट शॉर्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपने अच्छे से कंटेंट बनाना है और उसको डेली बेसिस पे पोस्ट करें। उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइक जैसे जमजम वालों ने इसी तरह किया कि ट्रेंडिंग म्यूजिक या जो भी, ज़रूरी नहीं है सिर्फ म्यूजिक, कोई भी साउंड हो सकता है जो कि ट्रेंडिंग में चल रहा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी आपके वायरल होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्लियर। इस तरह से आप वीडियो मार्केटिंग का, जैसे हमने देखा कि जितने भी ये बिग ब्रांड्स हैं वो इसी तरह फूड पांडा की हम एग्जांपल देखते हैं, यूट्यूब या किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो अपनी मार्केटिंग करते हैं, तो वहाँ पे वो वीडियो के थ्रू हमें गाइड करते हैं कि आप लोगों ने अगर कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप लोग हमारी ऐप इंस्टॉल करें, लाइक यंगो या एंड्राइव या फूड पांडा, तो इनकी वेबसाइट हम नहीं यूज़ करते, इनकी हम एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, क्लियर। तो ये फिर बिजनेस में भी डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। कुछ होते हैं वो बोलते हैं आए हमारे वेबसाइट पे साइन अप करें, कोई वो स्मार्ट तरीके से अगर काम करना चाहे तो उनकी मोबाइल एप्लीकेशन होना ज़रूरी है, लेकिन उस पर इन्वेस्टमेंट लगती है। अब जो मॉडल मैं आपको सिखाऊंगा उसमें आपका बेनिफिट ये है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इनिशियल अमाउंट से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्लियर। इस तरह से ई कॉमर्स भी आप कर सकते हैं, मीन्स आप अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, जैसे जमजम इलेक्ट्रॉनिक की हमने एग्जाम्पल ली कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग ऑर्गेनिक तरीके से की। एक पेड मार्केटिंग होती है, मीन्स आप गूगल यूट्यूब कोई भी प्लेटफॉर्म है उसको आप पे करते हैं और उसके बिहाफ पे वो आपको प्रमोट करते हैं, लेकिन एक तरीका होता है ऑर्गेनिक का, उसके एग्जाम्पल हम जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थे। इस तरह पाकिस्तान में और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, लाइक पेशावर में जो कबीर अफरीदी है वो एक ब्लॉगर है, मतलब टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन उसने जब अपना रेस्टोरेंट ओपन किया तो सारे बंदे पहुंच गए, उसने कोई ऐड रन नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी वो एक वेल नाउन बंदा बन गया, ठीक है। आप समझ आ रही है आपको ना कि इसमें पेड मार्केटिंग भी होती है फ्री मार्केटिंग भी। फ्री वाली ऑर्गेनिक इसको हम बोलते हैं कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म है वो आपको फ्री में प्रमोट करते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइज करना आता है, अदरवाइज आप उसको पे करके अपनी कॉन्टेंट जो है उसको मार्केट कर सकते हैं। और फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी ऐड डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आना ज़रूरी है, नहीं तो आप जो है ना अच्छे तरीके से उसको एक्सेल नहीं कर सकते और फिर आपको प्रॉब्लम्स में आ सकती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब जो है हम फेसबुक की तरफ जाते हैं कि फेसबुक में आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से आप इस पर अर्निंग से कौन कौन से मॉडल हैं, तो आप लोगों को आइडिया है कि आप किस किस सोर्सेज से जो है फेसबुक से हम अर्निंग कर सकते हैं। किसी को कोई आईडिया नहीं फेसबुक से हम कितने सारे तरीकों से अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये है कि आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की, आप किसी भी बिजनेस की जो प्रमोशन है वो आप कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर, उसके बिहाफ पे आप उसे अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड ये होता है कि मोनेटाइजेशन के थ्रू, लेकिन वो पाकिस्तान एलिजिबल कंट्रीज में नहीं है, फेसबुक मोनेटाइजेशन की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब हो जाता है और फेसबुक पाकिस्तान एलिजिबल कंट्रीज में नहीं है, लेकिन उसके लिए यह था कि वो रिक्वायरमेंट्स आपको कंप्लीट करनी होती है तो उसके बिहाफ पे आप डॉलर अर्न कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन ये है कि मार्केट प्लेस है, जैसे पाकिस्तान में ऑल एक्स है या कोई भी अदर एक आप वेबसाइट की एग्जांपल ले लें, तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, किसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू, क्लियर। अभी हम फेसबुक की बात कर रहे हैं करंटली, तो फेसबुक में मार्केट प्लेस है, ये भी एक ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं मार्केटिंग का टूल है, जिसमें आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हो और उसको आप सेल आउट कर सकते हो और अपना ई कॉमर्स का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो इसी के थ्रू। अब उसमें अगर आपको ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए तो फिर आपको पेड मार्केटिंग की तरफ जाना होता है कि आप उस पर पेड मार्केटिंग करेंगे, मींस आप एड रन करेंगे तो तभी आप अपने क्लाइंट्स तक रीच आउट करेंगे। लेकिन फेसबुक की एक और भी बात यह है कि ये पाकिस्तान के हिसाब से काफ़ी सस्ता है और गूगल महंगा है, लेकिन उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं गूगल के, क्योंकि मेन रीज़न ये है कि किसी भी बंदे को कोई चीज़ बाय करनी या कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाता है, ऐसा ही है, मतलब वो एक सर्च इंजन है, तो इसलिए हमें वहाँ से अच्छी ऑडियंस मिलती है। मुझे खुद ही भी गूगल और यूट्यूब पसंद है क्योंकि वहाँ से हमें सीरियस ऑडियंस मिलती है जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और फेसबुक जो है तो बस इसको नॉर्मल मैं कंसिडर करता हूँ, लेकिन एज अ न्यू भी आप इसको कंसिडर करें क्योंकि आप पे आपको जो है ना काफ़ी सारे ऑप्शन फ्री में मिलते हैं और बहुत ही कम पैसों पे आप लगा के ना उस पर पेड मार्केटिंग सीख सकते हैं खुद ही। तो उसके लिए सबसे मेन चीज़ है आपकी पर्सनल आईडी,
सेकंड चीज़ होती है आपका पेज, कि आप अपने पेज के थ्रू अपनी सर्विसेज है या प्रोडक्ट है उसको प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि ये आपके सामने मैंने ये अपना एक फेसबुक को ओपन किया, राइट। अब ये पेज आपको दिख रहा है, तो पेज नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये पर्सनल एक आईडी होती है। पर्सनल आईडी पे क्या होता है कि कोई भी बंदा फेसबुक जो यूज कर रहा है, इसमें भी ये है कि आपकी जितनी पुरानी ओल्ड अकाउंट होगा तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि आप कोई भी एक नवा आईडी बनाए या कोई भी एक इस तरह से सेटअप करें सोशल मीडिया, तो वो आपके लिए काफ़ी कम्प्लेक्स हो सकता है। तो इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी ये है कि आपने जब भी काम करना है तो आप अपनी जो है ओल्ड अकाउंट यूज़ करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्लियर। सोशल मीडिया पे आपने जब भी काम करना है तो मार्केटिंग के हिसाब से स्पेशली, तो आपको जो है ओल्ड अकाउंट यूज़ करना है। मीन्स आपका अपना कोई पुराना 2010 या कब का भी बना हुआ है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है, बजाय इसके आप सोचें कि मैं न्यू अकाउंट बना लूँ और उसको मैं उसके ऊपर मार्केटिंग करूँ, तो उसके रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सेकेंड इशू आईपी का होता है, लाइक यहाँ के वाईफाई पे आप सारे लोग क्या ख्याल है कि आप न्यू अपनी आईडीज बना लें तो वो सारों के सस्पेंड होने के चांसेस कम होंगे या ज्यादा होंगे? कम होंगे तो राइज हैंड करें। अच्छा, ज्यादा होंगे आप बताएं, अभी राइज करें हैंड, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आप ऐसे ही बैठे हुए हैं, आप लोगों को समझ आ रही है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? गुड। मीन्स ये कि आप इधर के वाईफाई पे अगर आप न्यू आईडी बनाते हैं ना, तो ये बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है। आपके जो अकाउंट्स है वो सस्पेंड हो सकते हैं। उसका मेन मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे, हम बंदे तो अलग है लेकिन वो आईपी हमारी सेम है, तो वो ये कंसिडर करेगा कि एक ही बंदा अपने मल्टीपल अकाउंट्स बना रहा है। तो उस सिनेरियो में ये कि आप अपना मोबाइल का डेटा यूज करेंगे या फिर घर जाके अपने वाईफाई पे अपनी आईडी या जो भी आपने पेज बनाना है वो क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? ये स्ट्रेटेजी इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप एज अ डिजिटल मार्केटर न्यू भी आप आते हैं, तो आप ये गलतियाँ करेंगे और आपके अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं सबके। तो आप इस मिस्टेक से इसी तरह बच सकते हैं। अगर आपने इधर ही बैठ के बनाना है तो आप अपना मोबाइल का डेटा यूज करें, तो उसमें आपको परेशानी नहीं होगी। क्लियर। इसके अलावा ये कि जैसे मैं खुद ही फेसबुक यूज करता हूँ जस्ट बिजनेस के लिए, मतलब पैसे कमाने के लिए, और उस पर मैं टाइम नहीं वेस्ट करता, तो उसके लिए आपको अपना एक अच्छा कवर बनाना चाहिए। तो आप लोगों में से कैनवा किस किस को आता है? गुड, सबको आता है। तो आप लोगों ने आज यही करना है, आज फर्स्ट टास्क आपका ये होगा कि आपने अच्छे से कवर बनाना है जो भी आपकी फील्ड है। लाइक कोई बंदा ई कॉमर्स कर रहा है, कोई बंदा वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहा है, कोई बंदा कंटेंट राइटर है, कोई भी एक स्किल सेट आपकी हो सकती है, उसके रिलेटेड आप लोगों ने एक पोस्टर मीन आपने फेसबुक का कवर बनाना है, और अपने पेज पे भी लगा लेना है, और इस तरह से जो आपकी पर्सनल आईडी है उस पर भी लगा लें, ताकि जो लोग आपके साथ कनेक्टेड है, जो फॉलोअर्स हैं, उनको पता हो कि आप क्या सर्विसेज सेल कर रहे हो, ताकि वो आपसे फ्यूचर में कांटेक्ट कर सकें। क्योंकि जितना भी सोशल मीडिया आपने इसको अगर अच्छे से यूज़ किया, तो आप इसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। अगर आप इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर आपको जो है मसला हो सकता है। सेकेंड चीज़ ये है कि आपको पता होगा कि बहुत सारे लोग अपने सर्विसेज फाइबर अपवर्क पे सेल करते हैं, तो उसका भी अल्टरनेटिव हम कह सकते हैं कि अगर आपने अपनी प्रोफाइल अच्छे से बनाई और अपने ऐड आप खुद ही रन करते हैं, तो आप डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स कहाँ से ढूंढ सकते हैं? फेसबुक के थ्रू। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको? अगर आप फाइवर अपवर पे काम नहीं करना चाहते हैं किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे, तो फिर आप लोग फेसबुक से ही अपने क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, चाहे आप अपनी सर्विसेज सेल करना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट्स। क्लियर। अब इसमें देखिए, जैसे कि ये टॉप राइट टॉप पे ये हमें दिख रहा है, ये सेम फीचर्स आपको मोबाइल पे भी मिलते हैं जो मैंने अभी आपको बताया कि फेसबुक मार्केट प्लेस होता है, इसको हम मार्केट प्लेस बोलते हैं। अब ये मेरे साथ सारे दुबई वाले एड्स इसलिए दिख रहे हैं कि ये मेरी इसने जो लास्ट लोकेशन थी वो दुबई वाली कंसिडर की, इसलिए ये एडी आपको देख रहा है, करेंसी चेंज है। क्लियर। तो इसी तरह से ये ऑप्शन आपको एक फेसबुक देता है, तो ये भी एक अच्छा टूल है अगर आपने अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, या आपका कोई क्लाइंट हो सकता है और उसके लिए आपने प्रोडक्ट सेल करने हैं, मीन्स सेल उसके जनरेट करनी है, ज़्यादा सेल्स लानी है, तो ये एक फ्री टूल है। आप इस मार्केट प्लेस वाले ऑप्शन को लाजमी ट्राई करें। अब उसमें भी ये है कि अगर वेबसाइट के ऊपर होते हैं तो आपको आइडिया होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है। बिल्कुल प्लेन है, वाइट है। इसके बारे में आपको आइडिया है कोई क्लियर कि ये बैकग्राउंड हम वाइट क्यों रखते हैं? अच्छा, वेबसाइट के लिए इस होता है कि हम जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसका बैकग्राउंड वाइट इसलिए रखते हैं ताकि वो प्रोडक्ट ज़्यादा विजिबल हो, बजाय इसके कि उसके साथ और डिस्ट्रैक्शन हो, तो फिर बंदा जो है डाइवर्ट हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आपने अगर ऑर्गेनिक तरीके से सेल्स लानी है, तो एक ये बेस्ट टूल है फेसबुक का मार्केट प्लेस वाला, जिसको आप बूस्ट भी कर सकते हैं, मीन्स इसको पे करके आप अपने लिए ज़्यादा ऑर्डर्स ला सकते हैं। लेकिन जो फ्री वाला अगर आप करना चाहें, तो यहाँ पे आप अपने
लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे आप जाएंगे और वहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की एग्जैक्ट डिटेल्स डालेंगे। अब ये तीन ऑप्शन आपको देते हैं, आइटम फॉर सेल, व्हीकल फॉर सेल या प्रॉपर्टी। मीन्स आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, गाड़ियाँ वगैरह आपने सेल करनी है तब भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, और प्रॉपर्टीज़ के लिए भी ठीक है ये ऑप्शन। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस पर आपको कोई ये पैसे चार्ज नहीं करता। फिर अगर आपने पेड मार्केटिंग करनी है तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको इसको पे करना होता है, तो तभी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो फेसबुक मार्केट प्लेस को। फिर एक टास्क तो आपको पता लगे कि आपने अपना प्रोफेशनल कवर बनाना है, वो जितना भी आपको कैनवा आता है उसी हिसाब से आप बना लें। फिर वो आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, कैनवा के अंदर ही ईमेल हो जाता है, तो वो फिर मैं कैनवा के अंदर ही आपके टास्क चेक कर लूँगा कि आपने उसको किस तरीके से परफॉर्म किया। फिर ये टॉप राइट में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका टास्क है और प्रोफेशनल तरीका क्या है, पेज बनाना। अब ये पेज भी सेम कि आपका जितना पेज ओल्ड होगा तो उतने आपको ऐड रन करने में आसानी होगी। अगर आप न्यू बनाते हैं तो उसके रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया कि अगर आप न्यू के पीछे हर दफ़ा ट्राई करते हैं तो वो न्यू बनाना जो है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, उसमें रिस्क ज़्यादा होता है उसको सस्पेंड होने का। तो आप लोगों ने सिंपल यही करना है कि आपने फेसबुक पे अपनी सबसे पहले आईडी को आपने प्रोफेशनल तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। मींस आपने अपना जो भी नाम रखना है, लेकिन ओरिजिनल नाम कोशिश करें रखें। अब ये मेरी आईडी का थोड़ा सा चेंज इसलिए कि मैं अपने डिफरेंट क्लाइंट्स का जो है पेज का एक्सेस इस आईडी पे लेता हूँ, और फिर डिफरेंट जो है बिजनेस मैनेजर्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एजेंसी है तो एक अकाउंट से हमारा काम नहीं होता, हम मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करते हैं। और यहाँ पे आपने अपने इंट्रो में जो है अपनी डिटेल्स डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी डाली कि गूगल सर्टिफाइड और मैं क्या क्या सर्विसेज देता हूँ या मेरी एजेंसी। तो आपने इसको प्रोफेशनल वे में इस्तेमाल करना है, ठीक है, फेसबुक को, तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपको इससे क्लाइंट्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। वो फ्री में भी हो सकते हैं और पेड मार्केटिंग करके भी आप गेन कर सकते हो। और इसके अलावा ये चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे ये लाइव का बटन दिख रहा है, किसी को आइडिया है कि ये फेसबुक हमें लाइव का बटन क्यों दे रहा है, इसका क्या फायदा है, हम इसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा, फेसबुक जो है आपको मैं बता दूं, ये भी एक सीक्रेट है इसका कि भाई ये जो है लाइव को रेकमेंड करता है कि फेसबुक के ऊपर आप लाइव करेंगे ना तो ये आपको खुद ही प्रमोट करेगा, ठीक है। तो ये इनकरेज करता है कि आप लोग फेसबुक पे क्या करें, लाइव करें। तो इसलिए यहाँ पे ये बटन है। अब लैपटॉप से डायरेक्ट लाइव नहीं होते, इसके लिए हम OBS एक सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करके लाइव आते हैं, और मोबाइल से तो डायरेक्ट आप लाइव कर सकते हैं, क्लियर। तो इस वजह से फिर ये रील्स है, रील्स का मैंने आपको बताया क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में होता है तो वो जल्दी वायरल होता है, तो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो एक तो आपको समझ आ गया कि जो आपकी पर्सनल आईडी है ना, तो उसको आप बेशक अपनी तस्वीर लगा के ही रखें, लेकिन कवर उसका आप प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन करें, जो भी आपकी सर्विसेज है उसके रिलेटेड आप उसको डिज़ाइन करें, क्लियर। सेकेंडली ये है कि आपने अपना इंट्रोडक्शन क्लियर लिखना है, फिर आपकी वेबसाइट या जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का लिंक भी डाल सकते हैं, क्योंकि फ्री है ना, कहीं से भी ट्रैफिक आपको मिल सकती है। लाइकवाइज आप अपने क्लाइंट का जो पेज होता है, अब हम आईडी की बात करें तो ये आपने अपनी आईडी खुद ही सेट करनी है, लेकिन अगर क्लाइंट का काम है तो उस सिनेरियो में आपने जो है क्या करना है कि आपने पेज जो है क्लाइंट का अच्छे तरीके से मैनेज करना है। तो अभी चूंकि क्लाइंट तो आपका है नहीं, आप बिगनर्स हैं सब, तो आप अपने लिए अपना पेज खुद ही क्रिएट करें। आपका नेक्स्ट जो टास्क है वो क्या है, आपने पेज बनाना है अपना। अब वो आपने अपने नाम के हिसाब से भी रख सकते हैं, अगर आपने नाम के हिसाब से नहीं रखते तो फिर आपने जो सर्विसेज सेलेक्ट करनी है तो उसके रिगार्डिंग आप लोग गूगल पे जाके नेम जनरेटर वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आप डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं कि मेरा जो है लाइक मैंने आईटी की सर्विस देनी है या फेसबुक की देनी है। आप अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप अपने नाम से बेशक पेज बना लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ के वाईफाई पे नहीं बनाना, ठीक है। आपको ये समझ आ गया ना कि एक प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए कि आपके सबके अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं, तो सेफ साइड यही है कि अगर आप यहाँ पे लाजमी बैठ के बनाना है तो आप अपना मोबाइल डेटा यूज़ करें, उसका हॉटस्पॉट कनेक्ट करें और उसके ऊपर फिर आप वर्किंग करें, तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा और सस्पेंड होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अदरवाइज वो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है, मीन्स आपके अकाउंट सारों के सस्पेंड हो सकते हैं। तो आप नेम जनरेटर का मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने कोई स्पेसिफिक और नाम रखना है, जैसे कि हमने जो है वो सर्विसेज अंग्रेज़ों को सेल करनी है, तो फिर हमारा नाम बिस्मिल्ला स्टोर, सुभान स्टोर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियर। फिर आपने अंग्रेज़ों के हिसाब से थोड़ा सोचना है, उस पर आपका टाइम लगेगा नाम सेलेक्ट करने में। तो आप अच्छा नाम सेलेक्ट करेंगे तो उससे
काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सेकंड ये कि अगर आपने फिर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने चेक करना है कि वो आप जो नाम रख रहे हैं उसका वेबसाइट का डोमेन अवेलेबल है या नहीं, ठीक है। एज अ बिजनेस अगर आप इसको लेके चलते हैं तो फिर आपने उसकी डोमेन भी पहले चेक करनी है कि ये जो नाम मैं रख रहा हूँ इसकी डोमेन हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्लियर? ये पेज वाला टास्क आपको समझ में आ गया ना कि आपने नाम के ऊपर थोड़ा सा सोचना है। अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो फिर आप अपने पर्सनल नाम को ही यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि आपको सबसे पहले अपने पेजेस ये सारी चीज़ें खुद ही प्रैक्टिकली करनी चाहिए, तो उसके बाद ही कोई क्लाइंट आपसे काम करवाएगा और आपको समझ भी आएगा कि ऐसे मैंने क्या क्या चीज़ें पूछनी है, इसका एक्सेस किस तरीके से लेना है। अगर आपका कोई पेज बना ही नहीं है तो आप उसकी एक्सेस नहीं ले सकेंगे। तो ये बहुत ही बेसिक स्टेप है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि यहाँ आपका वाईफाई है और यहाँ पे बहुत सारे बंदे यूज़ करेंगे तो मसला हो सकता है, लेकिन आइडिया आपको हो गया कि ये कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपने जस्ट पेज पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे आपने उसकी डिटेल्स डालनी होती है कि आपका पेज का नाम क्या है, आपने एग्जैक्ट डिटेल्स डालनी है। आपका अपना पर्सनल नाम से बेशक बना ले, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने सर्विसेज सेल करनी है, उसको लॉन्ग रन में लेके चलना है, तो फिर आप गूगल पे जाके नेम जनरेटर पे जाएं और वहाँ पे उसको बोलें कि मुझे आईटी के रिलेटेड कोई नाम सजेस्ट करो, तो आप उधर से कोई भी नाम फिर देख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फिर यहाँ पे आपने नाम वो दे देना। कैटेगरी ये जरूरी इसलिए होती है कि अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो फेसबुक आपको खुद ही आगे प्रमोट करता है। क्लियर? ये कैटेगरी जरूरी होती है। लाइक मैं अपना अगर नाम देता हूँ ना सिर्फ हारिस, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब कैटेगरी क्या है कि यहाँ पे आप लाइक मैं सोशल मीडिया का काम करता हूँ, तो मैं सोशल मीडिया टाइप करता हूँ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये देखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमें दिखा रहा है कि सोशल मीडिया एजेंसी। तो ये सिनेरियो में ठीक है कि अगर आपका काम मार्केटिंग का है और सोशल मीडिया मार्केटिंग का आप काम करते हो, बेशक आपका नाम कोई भी है, आपने कैटेगरी सही सेलेक्ट की, तो आपके चांसेस होते हैं कि आपको फेसबुक आगे रेकमेंड करेगा लोगों तक खुद ही। क्लियर? एक तो वो होता है कि हम पेड मार्केटिंग करते हैं, उसमें एड्स लगा के लोगों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पैसे लगाने पड़ते हैं, एड्स लगाने पड़ते हैं। क्लियर? तो ये कैटेगरी का आपको समझ आ गया ना कि आपने करेक्ट सिलेक्शन इसके करनी है। अगर आप जान छुड़ाएंगे तो फिर ये आगे आपके लिए इस तरह होगा कि सजेशन में नहीं जाएगा, आपका पेज खुद ही जो है ना ऑर्गेनिक प्रमोट नहीं होगा, ये एक मसला इसमें आ सकता है। और इसके अलावा बायो में आप उसकी पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं और फिर क्रिएट पेज। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि इधर का वाईफाई मैंने कनेक्ट किया हुआ है तो फिर ये इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, इसको मैंने यूज़ भी नहीं करना, तो ये फिर हमारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। तो यहाँ तक ये क्लियर है आपको? यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है? जुबैर आप लोग जाना चाहते हैं तो जाए। अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर है? ये पेज आपने बनाना है और इसके ऊपर आपने अपना कवर अच्छे तरीके से जो है ना प्रेजेंट करना है, तो आपको क्लाइंट्स मिलने के चांसेस होते हैं इस पे। अभी मैं आपको अपना पेज दिखा देता हूँ कि किस तरीके से होता है। ये तो मैं क्रिएट इसलिए नहीं कर रहा, मैंने आपको रीजन बताइए कि यहाँ का वाईफाई यूज कर रहा हूँ और आप लोग भी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे बंदे यूज कर रहे हैं, तो सबके सस्पेंड होने के चांसेस हैं, तो मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता, ठीक है। मतलब जरूरत इसकी नहीं है। तो जब आप पेज बना लेते हैं तो इस तरीके से आपका पेज दिखता है, जैसे अभी ये लोड हो रहा है, तो इस तरीके से आपका पेज दिखता है। उस पर आप अपना कवर लगा सकते हैं और यहाँ पे आप देखें मैंने कंपनी का अपना लोगो लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो है वो पेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और उसमें आप अपना प्रोफेशनल नाम रख सकते हैं जो भी आपने आपकी कंपनी का है, और उसके अलावा यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी होती है अपनी कंपनी के रिगार्डिंग, के आपकी कंपनी की जो भी डिटेल्स है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल, आपकी वेबसाइट और प्राइसिंग वगैरह। इसमें एक और चीज़ यही है जैसे स्टार्ट में मैंने बात की थी रिव्यूज़ कि कोई भी क्लाइंट मुझसे मेरी सर्विस क्यों बाय करेगा, वो रिव्यूज़ पहले चेक करेंगे, पहले इसके रिव्यूज़ कितने हैं। अब ये रिव्यूज़ जितने ज़्यादा होंगे आपके किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? तो पेज आपका होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपकी वेबसाइट में आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो पेज चूंकि फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है तो आप लोग यहाँ पे अपने क्लाइंट्स के रिव्यूज़ इकट्ठे कर सकते हैं, तो ये भी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी है आपकी। तो आई थिंक ये फेसबुक वाला यहाँ तक क्लियर है। और इसके अलावा यूट्यूब का मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि उसके ऊपर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। और इसके अलावा आपका एक क्वेश्चन था उस टाइम के, ये यूट्यूब का आपका जो चैनल वेरिफिकेशन है ना, वो जो थंबनेल चेंज नहीं हो रहा, उसकी रीज़न ये है कि आपने अपने नंबर से या आपके फेस पे बहुत सारे चैनल्स पहले से बने होंगे, इसलिए वो उसको वेरीफाई नहीं करता। और इसके अलावा ये है कि आपके अगर कोई और क्वेश्चन है तो हमारे साथ तकरीबन 10-15 मिनट्स है, तो आपके मैं क्वेश्चन सारे आंसर कर सकता हूँ। अगर आप लोगों के क्वेश्चन है तो आप अपने राइट हैंड जो है आप राइज करें। कुछ समझ आया आपको या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा?
अच्छा यूट्यूब जो है, जैसे हमने जमजम की एग्जांपल लीजिए कि उस सिनेरियो में वो लोग क्या करते हैं कि ऑर्गेनिक कंटेंट अपना क्रिएट करते हैं, और उसमें मेनली ये है कि बहुत सारी सर्विसेज भी फिर आप सेल कर सकते हो। उसका बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होता है? यही होता है कि आप लोग अच्छे से उसका थंबनेल डिज़ाइन करते हो। लाइक इससे पहले जो सेशन था उसमें भी यूट्यूब के आपने ये सीखा कि हम इसमें से डिसाइड कौन सा करेंगे कि हमने वीडियो देखी है, हम उसका थंबनेल देखते हैं। तो अब ये सेम आप डिजिटल मार्केटिंग में ये चीज़ें आती हैं कि आपका अगर थंबनेल अच्छा है तो आपकी वीडियो के जो वायरल होने के चांसेस है या देखने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे, और आप अपनी एज अ फ्रीलांसर ये सर्विसेज भी सेल कर सकते हो ग्राफिक डिजाइनिंग की, ठीक है? क्योंकि हर बंदे को रिक्वायर्ड होता है कि किसी बंदे का फेसबुक कवर है तो अगर वो अच्छे से उसने पेज कवर नहीं बनाया हुआ तो उनको उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो आप उसके लिए अच्छा सा कवर डिज़ाइन कर सकते हैं और उसके बिहाफ पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर आप अपनी सर्विसेज सेल कर सकते हैं, उसका यूट्यूब मैनेज कर सकते हैं। एसईओ के बारे में काफ़ी लोगों ने सवाल पूछे, तो एसईओ का सीन ये होता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो वो खुद ब खुद ही गूगल उसको यूट्यूब जो है ना वो प्रमोट करता है, और कुछ ऐसे होते हैं उसमें हमने अच्छे से एसईओ करनी होती है। एसईओ मींस कि हम यूट्यूब पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो टॉप पे हमें कैसे दिखता है, उसका मेन एक रीज़न ये है कि अगर आपकी कोई भी वीडियो देखते हैं और वो वीडियो फुल वॉच करता है तो यूट्यूब हो, टिकटॉक हो, फेसबुक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपकी वीडियो कोई भी बंदा फुल वॉच करेगा तो वो उसको अथेंटिक कंसिडर करेगा और वो आगे उसको प्रमोट करेगा, ठीक है? यूट्यूब उसको सजेस्टेड वीडियोस में लाएगा, फेसबुक उसको रिकमेंडेड वीडियोस में लाएगा अगर आपकी वीडियो फुल वॉच हो रही है। और इसी तरह से आप कह सकते हैं कि उसकी एसईओ हो जाती है, आप अगर अच्छे कीवर्ड्स डालते हैं और उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं। असल चीज़ ये कि आपकी वीडियो किसी भी प्लेटफॉर्म पे फुल देखी जाती है मीन्स उसका वॉच टाइम तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, मीन्स वो प्लेटफॉर्म उसको ऑटोमेटिकली प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। जैसे हमने जमजम इलेक्ट्रॉनिक की एग्जाम्पल ली थी कि उस सिनेरियो में बहुत सारे लोग एड तक वीडियो इसलिए देखते हैं कि वो उन्होंने बताया था कि आईफोन आपको फ्री में मिलना है, तो हर बंदा यही चाहता है कि मुझे ये प्रोडक्ट फ्री में मिल जाए। लेकिन उनको एल्गोरिथम की समझ आ गई थी कि कोई भी बंदा अगर हमारी वीडियो फुल वॉच करेगा तो इट्स मीन के हमारी वीडियो वायरल होगी, क्लियर? वो वॉच टाइम की आपको समझ आ गया ना, इसमें मेन जो आप कह सकते हैं ना कि कंपोनेंट है वो यही है कि वॉच टाइम, आपकी वीडियो अगर ज़्यादा वॉच हो रही है मीन्स वॉच टाइम उसका ज़्यादा है, लोग उसको फुल देखते हैं या हाफ से ज़्यादा देखते हैं तो वो फिर यूट्यूब उसको या टिकटॉक है या कोई भी एक प्लेटफॉर्म है सबका ऑलमोस्ट सेम कंसिडर करता है तो वो उसको आगे प्रमोट करता है। अगर आप उसको वॉच टाइम उसका कम होगा तो फिर वो अच्छे तरीके से प्रमोट नहीं होगी, बेशक आप जो कर लो। फिर एक सोल्यूशन ये होता है पेड मार्केटिंग, कि आप एड्स लगाते हैं और एड्स लगा के आप अपनी वीडियो को खुद ही प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन उस सिनेरियो में होता है कि जब तक आप पे कर रहे हैं आपका एड रन होगा और जब आप पे नहीं करते आपका एड रन नहीं होता, तो उसके लिए हमें गूगल एड्स यूज करना होता है। और मैंने जैसे आपको बताया कि गूगल जो है थोड़ा सा कंपेरेटिवली हमें महंगा पड़ता है, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं इसको खुद ही काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ और इससे मुझे क्लाइंट्स भी मिलते हैं, ठीक है? क्योंकि मेन मैंने आपको बताया ना कि ये सर्च इंजन है, यहाँ पे कोई भी बंदा आ रहा है तो उसको सर्च करके आप तक पहुंच जाता है, क्लियर? तो फेसबुक से जो है फिर यूट्यूब ज्यादा अच्छा है क्योंकि इस पे ट्रैफिक भी काफी ज्यादा है, 3 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर है यूट्यूब के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि आप लोगों की ऑडियंस कितनी है, 3 बिलियन, अगर आप किसी भी बंदे को रीच आउट करना चाहते हैं। वैसे तो इसके 96 बिलियन है लेकिन वो मंथली एक्टिव यूजर नहीं, वो टोटल है, लेकिन मंथली जो इसके एक्टिव यूजर है यूट्यूब के वो 3 बिलियन है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी ऑडियंस इतनी ज्यादा है तो आप उसको अपने सर्विसेज के रिलेटेड एड्स दिखा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कंपेरेटिवली महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। और इसमें भी डिफरेंट मॉडल्स हैं, एक तो जैसे आपको पता है कि यूट्यूब मोनेटाइजेशन है वो पाकिस्तान में डायरेक्ट ऑन हो सकती है, उसके लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं और 4000 वॉच आवर्स चाहिए, या फिर आपके शॉर्ट पे 10 मिलियन व्यूज होने चाहिए। ये दो क्राइटेरिया में से कोई एक आप मेट करते हैं तो फिर आपका पाकिस्तान से यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है, फिर वो आपको व्यूज के बिहाफ पे पे करते हैं। इसके अलावा आपका वॉच टाइम जितना ज़्यादा होगा तो सही है कि जितनी आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी होगी लेंथ तो उस पर डिफरेंट एड देखेंगे तो आपके रेवेन्यू ज़्यादा होगा। और सेकेंडली ये है कि आप अगर अदर कंट्रीज से आपके व्यूज़ आ रहे हैं ना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इंग्लिश कॉन्टेंट की तरफ जाएं जिससे आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। क्लियर हो गया? पेन भी दे दें तो ये आपको क्लियर हो गया ना कि YouTube आप मोनेटाइज करके इसे अर्निंग कर सकते हैं, इस पे आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, या इसी को आप सीख के ना डिफरेंट सर्विसेज दे सकते हैं, लाइक किसी को वीडियो
वीडियो एडिटिंग की जरूरत होती है तो आप वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विसेज, किसी का थंबनेल बनाना है, यूट्यूब बैनर बनाना है, तो बहुत सारी सर्विसेज आप दे सकते हो यूट्यूबर को। क्लियर हो गया? डिजिटल मार्केटिंग आपको समझ आ रहा है ना, बहुत वास्ट फील्ड है। इसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी एक निश सेलेक्ट कर लेंगे, आपने फेसबुक को जो है आगे कंटिन्यू करना है, आपने जो है यूट्यूब को कंसिडर करना है या टिकटॉक को। लाइक टिकटॉक जो है राइट नाउ वो भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, और उसमें फिर पाकिस्तान में तो मोनेटाइजेशन नहीं हो सकती, लेकिन अदर कंट्रीज़ में उसमें हम मोनेटाइजेशन करके अर्निंग कर सकते हैं। सेकंड ये है कि अगर आपका ई कॉमर्स का बिजनेस है तो टिकटॉक शॉप के नाम से आप अपने प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। तो टिकटॉक उस सिनेरियो में हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम टिकटॉक शॉप के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स खुद ही प्रमोट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में तो जो है लोग इतना ज़्यादा इसको यूटिलाइज नहीं करते, और पाकिस्तान एलिजिबल कंट्री में भी नहीं है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में जो है टिकटॉक शॉप हमारे लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। हम अपने प्रोडक्ट्स को टिकटॉक शॉप के थ्रू खुद ही प्रमोट कर सकते हैं। अब हर प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। यूट्यूब चैनल पे होता है कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो तो आप अपना शॉपिफाई को इसके साथ कनेक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। वैसे डायरेक्ट भी अगर गूगल एड्स आप लगाएं तो तब भी आप सेल कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक मार्केटिंग की हम बात करें तो हमें शॉपिफाई की वेबसाइट बनाना चाहिए अगर आपका ई कॉमर्स का मॉडल है। ई कॉमर्स के लिए हमें शॉपिफाई की जरूरत होती है। क्लियर? शॉपिफाई का है आपको आइडिया कि किस लिए यूज होता है? शॉपिफाई मेनली यही है कि ई कॉमर्स, अगर किसी ने कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करना है ना तो उसके लिए उनको वेबसाइट जिस प्लेटफॉर्म पे बनानी है वो शॉपिफाई पे बनानी है। वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली वर्डप्रेस के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है कि उसको आपको मंथली ज़्यादा पे करना होता है, और वर्डप्रेस का ये है कि वो फ्री है लेकिन उसकी जो डोमेन होस्टिंग है वो एयरली चार्जेस उसके होते हैं, तो उस सिनेरियो में वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया? आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आपको जो जो भी इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपका यूट्यूब और फेसबुक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप लोग अब वो क्वेश्चंस काफी। अगर आप क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।